What's up guys, I hope you're doing great. तो आज की वीडियो में I'll be eating the untried food for next 24 hours. मतलब कि यार आज की वीडियो में मैं कुछ ऐसा खाना खाने वाला हूँ जो कि मैंने आज से पहले कभी नहीं खाया. तो यार दिल्ली में ना कोविड सिचुएशन बहुत बुरी हो रखी है, तो मैं कुछ बाहर से ऑर्डर तो नहीं करने वाला, ना मैं बाहर जाके खाने खाने वाला हूँ. बट वी स्टिल हैव एन ऑप्शन टू गो टू सुपर मार्केट, क्योंकि सुपर मार्केट में भी बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं जो कि मैंने आज तक ट्राई नहीं की हैं. सो दिस इज गोना बी अ क्वारंटाइन एडिशन वीडियो, एंड वीडियो पूरी देखना, बहुत मज़ेदार होने वाली है. सो लेट्स गेट रेडी एंड लेट्स डू सम शॉपिंग. Guys, I'm back and ये रहा भाई मेरा आज का खाना. This is gonna be my food for next 24 hours and I'm pretty excited. Excited इसलिए क्योंकि यार आज मैं कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स लेके आया हूँ सुपर मार्केट से जो कि खाने तो दूर की बात है यार. मैंने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि ऐसे प्रोडक्ट्स भी कहीं बनते होंगे. आई मीन चेक दिस आउट, ब्लैक वाटर. यार ये बॉटल काली कलर की नहीं है, ये पानी ब्लैक है. दिस इज सम काइंड ऑफ एन अल्कलाइन वाटर. इसको हम बाद में चेकआउट करेंगे. ये भी देखो, वेजिटेरियन शॉर्मा. ऐसे ही मेरे पास बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें हैं जो हम पूरे दिन खाने वाले हैं. अभी आपको सब कुछ नहीं बताऊंगा, पूरी वीडियो देखना. एंड फॉर द ब्रेकफास्ट मैं खाने वाला हूँ दिस थाई मामा रामेन. इसको यार मैं जल्दी से पकाता हूं, देन वी कैन डू द टेस्ट टेस्ट. ओहो भाई, फ्रेग्रेंस तो इसकी बहुत अमेजिंग है. नूडल्स भी उतनी अमेजिंग है जितनी इसकी फ्रेग्रेंस है. यार ये जो फ्लेवर है ना, दिस इज एक्चुअली चिकन एंड एग फ्लेवर, और मुझे कहना पड़ेगा चिकन का बहुत सही वाला फ्लेवर आ रहा है इसमें से. यार इसमें एक्चुअली अलग फीचर ये है कि यार ये नूडल्स देखो बहुत बड़ी हैं. एंड गाइस जब मैं इसको बना रहा था ना, तो इसके पैकेट के अंदर से दो सैशेज निकले. एक सैशे के अंदर तो इसका इंस्टेंट मसाला था और साथ में चिली फ्लेक्स थे, और दूसरे सैशे में यार पता नहीं क्या कंटेंट था, पर जब मैंने उसको टेस्ट किया इट टेस्टेड एग्जैक्टली लाइक घी, और उसकी शक्ल भी वैसी थी. तो इसके अंदर से मुझे अब घी का फ्लेवर भी आ रहा है. सो आई एम प्रीटी श्योर दैट वाज घी. And I just loved it. Guys, इसके साथ साथ I'm gonna have this black water. Check out करो यार, this is actually black water, और नीचे इन्होंने लिखा हुआ है alkaline water enriched with 70+ minerals, zero calories and all. यार zero calories हूँ ना, पर ये बोतल 100 रुपए की है, तो 100 रुपए का पानी मैं पी रहा हूँ. जस्ट लाइक नॉर्मल वाटर, कोई फ्रेग्रेंस नहीं है इसकी. ओ जस्ट लाइक नॉर्मल वाटर, कोई फ्लेवर भी नहीं है इसका. सो इट इज ओडरलेस एंड इट इज टेस्टलेस, और ये 100 रुपए की है. और एक बात और यार, अभी ब्रेकफास्ट पूरा खत्म हुआ नहीं है, ये रामेन अपनी खत्म करूं फिर आपको एक और बड़ी यूनिक सी चीज दिखाता हूं. गाइस, उस बढ़िया सी रामेन खाने के बाद और वो महंगे पानी पीने के बाद अब कुछ मीठा हो जाए, और मीठे में आज हमारे पास है ओरियोज. ये नॉर्मल ओरियोज नहीं है, ये दो ऐसे फ्लेवर्स हैं जो कि मैंने आज तक कभी टेस्ट भी नहीं किए. इनफैक्ट मुझे पता भी नहीं था कि यार ऐसे फ्लेवर्स भी ओरियो के एग्जिस्ट करते हैं. सो दिस इज ओरियो का आइसक्रीम फ्लेवर एंड दिस इज ओरियो का पीनट बटर फ्लेवर.
यार वैसे तो शायद 35 रुपीज का एक पैकेट होता है ओरियो का, दिस इज फॉर आई थिंक 95 रुपीज, ऑफ कोर्स मेक सेंस, इंपोर्टेड चीज है. हैव अ लुक, लेट्स ट्विस्ट द ओरियो, इसकी फिलिंग चेकआउट करो. तो मेरे को लग रहा है आधा पीनट बटर है और आधा चॉकलेट है. Not bad guys, not bad at all. This thing is lit. मतलब peanut butter का जो flavor है ना बहुत ज़्यादा नहीं आ रहा, chocolate और peanut butter का बड़ा balanced flavor आ रहा है and I love this combo. हाँ यार ये packet मैं और मंगवाने वाला हूँ, ये मुझे इतने पसंद आए. अब यार इस ice cream flavor को check out करते हैं. ओए भाई packet खोलते क्या fragrance आई यार. Check this out. जिसके अंदर इन्होंने कुछ ना कुछ डाला है इसको खा के यार, आई मीन मेंथॉल, लाइक जैसे आप सेंटर फ्रेश खाते हो एकदम से कूलनेस हो जाती है मुंह में, सेम चीज इससे हो रही है. आई थिंक ओरियो ने आइसक्रीम को कुछ ज्यादा लिटरली ले लिया एंड कहीं ना कहीं भाई वो ऑब्जेक्टिव भी इन्होंने अचीव कर लिया. जैसे आप बाइट लोगे ओरियो के बिस्किट्स का जो फ्लेवर है वो तो है ही, साथ में जो इसकी फिलिंग है दैट इज अमेजिंग. एंड हाँ आइसक्रीम वाली फील आ जाएगी, ये चीज़ मैं आपको गारंटेड बता रहा हूँ. मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था कि ओरियो भाई ऐसे भी एक्सपेरिमेंट्स कर सकता है. आई एम वेरी इंप्रेस्ड विद ओरियो. अब आई एम गोना एंजॉय माय ओरियोस एंड अब मैं आपसे मिलता हूँ ड्यूरिंग लंच या फिर व्हेनेवर माय टमी कॉल्स. सी यू देन गाइस. लंच का टाइम है और लंच का सीन कुछ ऐसा है. आज मैं लंच में खाने वाला हूँ राजमा एंड मालाबार पराठा. यार देखो आप लोग ये सोच रहे होगे कि यार राजमा तो तू बहुत बार खा चुका है तो व्हाट्स न्यू इन दिस, बट द कैच इज आज आई एम गोना ईट दिस पैक्ड किडनी बीन. यार मुझे आइडिया तो था कि ऐसे पैक्ड राजमा आते हैं बट मैंने कभी भी इनको टेस्ट नहीं किया, सो दिस इज गोना बी द फर्स्ट टाइम व्हेन आई एम गोना ट्राई दीज किडनी बीन्स. और मालाबार पराठा तो वैसे ही मैंने नहीं खाया एंड हैरानी की बात यह है कि यार ये फ्रोजन मालाबार पराठा है, आई मीन पराठा भी अब फ्रोजन आने लग गए, तो मैंने आज तक वैसे फ्रोजन पराठे कोई भी नहीं खाए लाइफ में, सो दिस इज गोना बी द फर्स्ट टाइम जब मैं फ्रोजन पराठा भी ट्राई कर रहा हूँ. सो अब इन दोनों चीज़ों को हीट अप करते हैं देन लेट्स डू द टेस्ट टेस्ट. Alright guys, my lunch is finally here. तो भाई मैं आपको बताता हूँ ड्रिंक्स में आई हैव दिस आमंड मिल्क. हाँ यार मैंने आमंड मिल्क पहले कभी ट्राई नहीं किया. और चेक दिस आउट, दिस इज कॉल्ड मालाबार पराठा. यार ये ना कुछ कुछ मुझे सिमिलर लग रहा है लच्छा पराठा से. दिस इज मेड अप ऑफ मैदा एंड इट्स वेरी क्रिस्प एंड साथ में आई हैव दीज डार्क रेड किडनी बीन्स. वैसे यार इनका सीन कुछ ऐसा है, मैंने इन किडनी बीन्स को स्ट्रेट फ्रॉम दैट कैन टेस्ट किया बट इसका फ्लेवर ही नहीं था कुछ, आई मीन बस किडनी बीन का जो फ्लेवर होता है वो था. साथ में यार कोई इन्होंने अंदर उसके कोई मसाले वसाले थे नहीं तो मुझे नमक मसाले वगैरह इसमें मिलाने पड़े एंड लेट्स सी कि इसका टेस्ट कैसा है. सी राजमा की फील तो अच्छी अच्छी आ रही है पर यार वो घर वाला फ्लेवर बिल्कुल भी नहीं आ रहा. I really want to try it with this मालाबार पराठा. Have a look यार कितना ज़्यादा वेफरी है and it's too thick. यार कहना पड़ेगा मालाबार पराठा और राजमा बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है. Guys, lunch scene अपना पूरा sort हो चुका है और सही में यार पेट मेरा बहुत भर गया है. अब यार मैं आपसे मिलूंगा व्हेनेवर माय टमी कॉल्स. गाइस एक बात तो बिल्कुल सही है, ये नाचो बेस्ट है यार. यार देखो
पैक्ड नाचोस में ना आज तक मैंने सॉल्टेड फ्लेवर खाए हैं, चीज फ्लेवर खाया है और एलापेनो फ्लेवर खाया है, बट बीटरूट फ्लेवर के बारे में मैंने आज से पहले कभी सुना भी नहीं था. और मेरे पास एक और फ्लेवर है विच इज़ पिंक सॉल्ट एंड रोस्ट गार्लिक. भाई कहना पड़ेगा लॉकडाउन के अंदर कॉर्निटोज वालों ने बहुत दिमाग चलाए इन फ्लेवर्स को लाने के लिए. अब क्या, आई जस्ट कांट वेट टू टेस्ट देम. गाइज, जैसे पैकेट पे तीन कलर के अलग अलग नाचोज बने हैं, वैसे ही पैकेट के अंदर देयर आर थ्री डिफरेंट वेराइटीज ऑफ नाचोज. हैव अ लुक यार. देखो ये वाला कलर तो थोड़ा नॉर्मल है, बट भाई साहब ये क्या चीज है. देखो यार, मेजॉरिटी ऑफ फ्लेवर जो है ऑफ कोर्स नॉर्मल नाचो जैसा है, बट हाँ चबाते चबाते यार थोड़ा सा मुझे बीटरूट का हिंट आ रहा है. और यार इनमें से जो तीनों कलर है सबका डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर है. वाओ, दिस इज यूनिक यार. ये वाला जो फ्लेवर है ना, दिस इज हार्ड कोर बीटरूट फ्लेवर. एंड यार वो नाचोस वाला मजा नहीं आया मुझे इसमें से. इन नाचोस को अब मैं डिप के साथ एंजॉय करूंगा. एंड नाउ आई एम गोना सी यू एट द डिनर. गाइस, डिनर का टाइम है और डिनर में आज मैं खाने वाला हूँ फॉर द फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ वेजिटेबल शॉर्मा. मुझे नहीं पता यार इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, बट यहाँ पे लिखा है रेडी टू हीट एंड ईट. तो फिर इसको अब मैं हीट अप करूँगा. और भाई ड्रिंक्स में मैं लेके आया हूँ दिस हाइनेकन की अल्कोहलिक फ्री प्रीमियम क्वालिटी. मुझे नहीं पता यार ये क्या है, बस यार मुझे बड़ा कूल लगा इसका कैन तो मैं उठा लाया. और हाँ ये भी मैंने कभी पहले पिया नहीं है. सो लेट मी गेट माई शॉर्मा हीटेड, फिर करते हैं आज का डिनर. A few moments later. See, the problem is, इस डब्बे के ऊपर ये शॉर्मा बना हुआ है और मुझे लगा था कि अंदर यार रेडीमेड शॉर्मा होगा, बस मुझे इसे गर्म करना है, बट ये सिर्फ शॉर्मा की फिलिंग है. इसके अंदर यार वो रोटी नहीं है. अब ऑनेस्टली कट गया मेरा. ओके यार, इसको पकाने की वैसे इंस्ट्रक्शंस ये है कि यार इसको पैन में इसके अंदर बटर या घी डाल के आपको सीजनिंग वगैरह ऐड करनी है, लेमन वगैरह ऐड करना है. एंड मेरे पास दोपहर का पराठा भी बचा हुआ है, तो मैं उस पराठे को भी हीट अप कर लेता हूँ, फिर ये फिलिंग को उस पराठे में डाल के खाएंगे. एंड आई होप इट्स गोना टेस्ट गुड. आई होप सो. डिनर मेरा ऑलमोस्ट सेट है यार. मैंने ये दो डोनर शॉर्मा बनाए हैं. यार देखो डब्बे के अंदर मुझे लगा था कि पूरा ढंग से शॉर्मा बना होगा, बस मुझे उसे हीट अप करना है एंड आई एम गोना बी गुड टू ईट, बट ऐसा हुआ नहीं. उन्होंने तो बस मुझे इसकी फिलिंग दे दी. फॉर्चुनेटली मेरे पास ये मालाबार पराठा बचा हुआ था, अब इसके अंदर मैंने बर्गर मेयोनीज डाली एंड शॉर्मा की फिलिंग डाली. Now we're good to go. Oh, this thing is actually lit. भाई मजा पता है क्यों आ रहा है. इसके अंदर एक तो मैंने वो बर्गर मेयोनीज डाल दिया है और ऊपर से जो यार ये मालेबार पराठा का वेफरी क्रंच है और जो ये शॉर्मा की फिलिंग है, एक्चुअली दिस इज सोया. इसके ऊपर इन्होंने ऑलरेडी सीजनिंग की हुई थी और वो सीजनिंग बहुत सही है. I am loving it. This is actually beer, but of course non-alcoholic beer. But the thing is, यार कोई इतनी कड़वी ड्रिंक क्यों पिएगा अगर उसके अंदर अल्कोहल ही नहीं है तो. I'm done with my dinner. और यार मुझे कहना पड़ेगा इट वॉज सच अ लवली चैलेंज. आज यार मैंने बड़ी सारी यूनिक वैरायटी की चीज़ें टेस्ट करी. वैसे तो यार अभी बहुत कुछ है जो मैंने नहीं खाया हुआ,
तो इसके हो सकता है काफी सारे पार्ट्स बने. सो दिस वॉज एक्चुअली अ क्वारंटाइन एडिशन वीडियो. और यार अभी लॉकडाउन खुलने दो, फिर बड़े मस्त मस्त तरीके के खाने हम ट्राई करने वाले हैं. एंड आई रियली होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी. मुझे बड़ा मजा आया है वीडियो करके. एंड नाउ यू गाइज नो वॉट टू डू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. एंड इफ यू गाइज वॉन्ट टू कम्युनिकेट विद अस, हमने अपने इंस्टाग्राम के लिंक डिस्क्रिप्शन में डाले हुए हैं. फील फ्री टू कनेक्ट विद अस. आई एम गोना सी यू रियल सून इन द नेक्स्ट वीडियो. तब तक के लिए स्टे सेफ एंड हैप्पी ईटिंग.